जी तो ये तो आप सबको पता चल गया कि डिस्कवर पे आज मेरा लास्ट डे है। आज मैं अपनी जॉब के लास्ट डे पे ऑफिस जा रहा हूँ। और कैसा सफर रहा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तकरीबन 17 माह का ये सफर था जिसमें मैंने बहुत सी चीजें सीखी और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने बहुत खाया। ठीक है, मतलब कि हमने कोई शहर नहीं छोड़ा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, पिंडी, शरकपुर, मतलब हर जगह। कसूर, वहाँ की कौन सी ट्रेडिशनल डिशेज हैं, उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या मसाले डलते हैं, लोगों को कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है, वो सब मैंने डिस्कवर किया और बहुत इन्जॉय भी किया। वैसे लोग जो हैं वो खाने के लिए कमाते हैं, तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि मैं खा के कमाता था। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो यार अभी रात के तकरीबन 2-3 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं रिकॉर्डिंग पे। आप देख सकते हैं सामने कैमरे शैमरे भी हैं और ये मेरे दोस्त हैं। 2:30 हो चुके हैं यार, 24 कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो यार आप लोगों ने बहुत सी मीम्स देखी होंगी कि यार रमजान में कोई इफ्तारी पे नहीं बुलाता। ठीक है, लेकिन बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको उनके दोस्त सहरी पे इनवाइट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने दोस्तों को आज बुलाया। तो उस्मान यार, आप नहीं, ये भाईजान को कैमरे में दिखाएं थोड़ा सा। ये भाईजान पूरा रमजान मेरे साथ अफतारी पे थे। ये देखे पूरा रमजान अफतारी सहरी करने का क्या। अच्छा यार उस्मान, ये जो लोग नहीं बुलाते अफतारी पे, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कब बुला रहे हैं मुझे फिर? मैंने आपकी पहले रमजान करवाई है, है? है? अच्छा? तो कल आखिरी आखिरी अगर 30 रोजे पे या 29 पे, 29वें रोजे आपकी इफ्तारी करो। अच्छा, साथ ये मेरा स्कूल का बहुत पुराना दोस्त है, काफी पुराना है ना, पिछली सदी की बात है ना। साथ यार आप तुर्की से आए हैं स्पेशल मुझे इफ्तारी करवाने के लिए। यार आपने मुझे कहा था कि साथ आज मैं तुम्हारी इफ्तारी करता हूं, सैरी करता हूं। मैं साथ, आपने ये भी कहा था कि अपना कार्ड लेते आना। भैया आप उसकी चेयर कार्ड लेकर आए हैं फिर आप लेकर आए यार, चेयर उधर कर लें, साथ साथ सेटिंग करनी है, जो मेन काम है वो करना है। व्लॉग हम वैसे बना रहे हैं, तो अभी हम मोनाल में मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने इनको अपनी सहरी की दावत दी है आज। मैंने कहा क्या याद करेंगे, इन्होंने तो अफ्तारी करवाई नहीं, हम इनको सहरी करवा देते हैं। भाई यार कब करवा रहे हो अफ्तारी? ईद पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ईद पे क्यों तुम कैद हुए हो? ईद पे होनी है मुलाकात। मैं जब मैंने अफ्तारी का पूछा यार, वैसे मैंने सुना है ईद पे ना शैतान रोजा रखता है, इसलिए आपको अफ्तारी का है, इसलिए दानियाल को अफ्तारी का है। नहीं नहीं मैम, फिर भी नहीं यार, बताओ यार कब करा रहे हो अफ्तारी? तुम हफ्ते को कर लो। हफ्ते को मैं बात करता हूँ ना चैनल से अपने। किस चीज की बात करनी है यार? मैं तो चाहता हूँ कि आप हमें अपने घर अफ्तारी पे बुलाएं, आप भाभी हमारे लिए अफ्तारी बनाएं। पंजाब ने कफायत शहरी कमेटी पे जो है ना कहा है कि अमल करना है। कफायत शहरी कमेटी के मुताबिक इफ्तार पार्टियां, सहर पार्टियां सब खत्म होनी चाहिए। अच्छा, खत्म करनी चाहिए। और घर बनाए ना उस्मान, घर में भी ज्यादा खजूर पानी के साथ उन्होंने घर रोजा खोलने वाला, कुछ नहीं करना। तो मतलब आज आप लोग भी शहरी में भी कुछ नहीं खाएंगे? कल से इम्प्लीमेंट हो रही है ना कफायत शहरी, कल से आ रही है। बहुत तेज लोग हैं। ठीक है यार, आप लोग बताएं आपके किसी दोस्त ने अभी तक आपको अफ्तारी पे बुलाया या नहीं बुलाया, मुझे कमेंट में बताएं जल्दी जल्दी। और अगर आप में से भी कोई मुझे अफ्तारी पे बुलाना चाहता है तो बुला ले, कोई मसला नहीं। अफ्तारी पे ना भी बुलाएं, मैं खुद ही आ जाऊंगा। आप कमेंट में अपना एड्रेस और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपका इन्विटेशन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगे हैं और मेरी टीम जो है वो कैमरे शैमरे जो है ना वो सेट कर रही है। उनसे तकरीबन पिछले आधा घंटा हो गया, इनसे कैमरे सेट नहीं हो रहे है ना, ऐसे ही है ना। तो अभी कैमरे सेट हो रहे हैं, उसके बाद हम जरा रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। व्लॉग का क्या बना? ये व्लॉग चल रहा है और ये आप उस्मान की प्लेट देख सकते हैं। और अभी ये कह रहे थे कि मैंने ना वेट, ये मेरे साथ जरूर वेट जो है ना लूज करना है ना। साद और अब्दुल हई को सिगरेट वाला बंदा मिल गया था, उनको सिगरेट, वो सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा, उनके हमारी प्लेट लेके जाओ। अच्छा, ये उनकी प्लेट है। हाँ, मैंने एक ये डाला है, एक मुझे लग रहा है जो न्यूयॉर्क चीज के एक का स्लाइस, ये मैंने एक डाला है छोटा सा पीस, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं। बस चलें फिर, ठीक है, ओके। यार दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और अब मैं उठ के जो है वो ऑफिस जा रहा हूँ। जो पिछला आपने सारा देखा था वो 2 दिन पहले का था, तो मैंने उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है ना कुछ स्पेशल है, आज कुछ स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मेरा मेरे दफ्तर में आखिरी दिन। अब आप सोचेंगे हैं क्यों क्या, तो आइए आपको बताते हैं। गाड़ी बहुत गर्म है, मैंने AC चला दी है और देखते हैं कि क्या तासुरात हैं। अभी भी बहुत गर्म है।
जी तो ये तो आप सबको पता चल गया कि डिस्कवर पे आज मेरा लास्ट डे है, आज मैं अपनी जॉब के लास्ट डे पे ऑफिस जा रहा हूँ। और कैसा सफर रहा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तकरीबन 17 माह का ये सफर था जिसमें मैंने बहुत सी चीजें सीखी और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने बहुत खाया, ठीक है। मतलब कि हमने कोई शहर नहीं छोड़ा, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, पिंडी, शरकपुर, मतलब हर जगह, कसूर, वहाँ की कौन सी ट्रेडिशनल डिशेज हैं, उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या मसाले डलते हैं, लोगों को कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है, वो सब मैंने डिस्कवर किया और बहुत इंजॉय भी किया। वैसे लोग जो हैं वो खाने के लिए कमाते हैं, तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि मैं खा के कमाता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं अपने प्रोग्राम का प्रोड्यूसर भी था और होस्ट भी था, तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखी। और अभी बहुत सी चीज़ें और रहती हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। लर्निंग का प्रोसेस तो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। खैर, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार जिंदगी आप जॉब छोड़ क्यों रहे हैं, डिस्कवर में आपका लास्ट डे क्यों है, मज़े की जॉब थी कि आपने खाना है और ये वो। यार मज़े की जॉब है, थी, और लेकिन यह कि एक चीज़ आप कुछ टाइम तक के लिए कर सकते हो और उसके बाद उसको टाइमली अगर आप अल्लाह हाफिज़ कह दें तो अच्छी बात है। और मैंने अब यही सोचा है कि मैं कुछ नया करूँगा, इस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, बट कुछ नया करना है, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया एडवेंचर करना है, और जिसमें आप सब लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब लोगों की सपोर्ट हमेशा साथ रही है, उम्मीद है कि आगे भी रहेगी, और मैं इंशाल्लाह कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की अब कोशिश करूँगा। मेरी ट्राई है कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँ, मैं फेसबुक पे एक्टिव हो जाऊँ, हम फूड की सीरीज़ करेंगे, हम चैलेंजेस वीडियोस करेंगे, हम ब्लॉगिंग करेंगे, हम करंट अफेयर्स के हवाले से कुछ चीज़ें करेंगे। अब बहुत से लोग जो मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरा करंट अफेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग समझते हैं कि हैं आप करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। हम आवाम में जाके माइक पकड़ के पूछेंगे कि आप बताएं पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए कब नजर आ रहे हैं आपको, खलाई मखलूक क्या इलेक्शन होने देगी या नहीं होने देगी, मतलब इस तरह की। अभी ऐसी कोई बातें नहीं करनी कि एमी वीगो शीगो मेरे आगे पीछे आ जाएं और मुझे उठा के ले जाएं, तो ये भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। और अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस चलते हैं, वहां पर सारी क्लियरेंस वगैरह करवानी है, वहां पर आपको दिखाते हैं कुछ आखिरी दिन, और उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं आगे जो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान चल रहा है फिलहाल, अभी बहुत गर्मी भी है, इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कि शुरू के रोज़े अच्छे गुजर गए हैं, अब लास्ट ये जो आखिरी अशर है ना, ये ज़रा थोड़ा तंग कर रहा है अब, लेकिन यही रोज़े की खूबसूरती है कि आपने इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना है, और बर्दाश्त करते हुए आपने रोज़ा रखना है, और आपने महसूस करना है कि वो लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, ये रोज़ा बेसिकली हमारी जिस्म की इबादत होती है, ठीक है। तो मैं तो रोज़ा भी इंजॉय कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा बोलना नहीं है यार, लाइट भी ज़रा थोड़ी कम हो गई है, तो अभी ऑफिस चलते हैं। जी तो ऑफिस में पहुँच गया हूँ, आइए चलते हैं और आपको ऑफिस की भी सैर कराते हैं। आज मेरा लास्ट डे है, तो मुझे हसन ने जो है ना जामे शीरी का एक पूरा वो दिया है, पेट कहेंगे इसे, स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये एक पूरा है, वो मांग रहे हैं कि एक मुझे भी चाहिए। ये आपकी गाड़ी में पड़ा है? ये हम गाड़ी में रखवा दें, यार मेरी गाड़ी में रख देंगे प्लीज, रख दो रख दो यार, आराम से रख दो। चलो दरवाजा चेक करो, लॉक हो गया, ओके। अभी मैं एचआर के ऑफिस में आया हूँ क्लियरेंस फॉर्म लेने के लिए, लेकिन एचआर का रूम लॉक है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं 3 दफ़ा आ चुका हूँ, अभी देखते हैं, लगता है आज इफ्तारी यहीं करनी पड़ेगी। सारी क्लियरेंस वगैरह करवा ली है, और ये मेरा डिस्कवर का कार्ड है जो कि जब आप वापस जाते हैं तो आपने जमा करवाना होता है, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लें, तो बाकी चलते हैं अभी देखते हैं, आधा घंटा रह गया, मुझे लगता है कि मेरी आज इफ्तारी रास्ते में ही होगी, तो लेट्स सी क्या होता है। इफ्तारी हो गई है लेकिन टाइम अब इतना हो चुका है कि मैं घर पहुंच नहीं सकता, तो मुझे आज लास्ट इफ्तारी डिस्कवर में ही करनी पड़ेगी, तो आज हम आपको दिखाते हैं कि डिस्कवर में हमें इफ्तारी में आज क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आए मुस्तफा भाई, क्या है आज आखिरी इफ्तारी करने, आज आखिरी इफ्तारी मैंने कहा आप लोगों के साथ करते हैं, तो अच्छा किया यार, आपने बहुत। चले देखते हैं आज इफ्तारी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, ये देखें, ये अभी रोज़ा खुला भी नहीं है और इन्होंने पहले से जो है ना खाने पे हमला कर दिया है। रखते हैं, रोजे रखते हैं ना, हम रोजे रखते हैं, हम भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हो गया।
वाह वाह वाह, क्या गरम गरम जो है वो दही भले हैं और ठंडे ठंडे पकौड़े हैं। वाह वाह वाह, लास्ट है ना, लास्ट सच ना बोलो, लास्ट जाते जाते सच्ची बोलना, सच्ची बोलना सच्ची है। अगर आप स्ट्रीट फूड करते हो ना, उसका एक फायदा होता है आप खा खा के फुल हो जाते हो, ठीक है, आपको खाने की वो नहीं रहती, क्या कहते हैं, तलब। और अगर आप खाने का शो नहीं करते हो ना, तो आप ये देखें रोजे से पहले सारे प्लेटों में डाल के जो है ना वो बैठे होते हैं, आपको पता है कि आपके पास खाना आ जाएगा खुद ब खुद चल के, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे वो सैड म्यूजिक लगेगा, यहाँ लेना पड़ता है खुद खुद खाना। ओके, आखिरी अफ्तारी जो है ना वो कर ली है, तो अब हम जा रहे हैं अलविदा जी। तो ये था मेरा आज का दिन, और इसी के साथ डिस्कवर को हमने कर दिया है टाटा बाय बाय। अब यार कुछ बातें हैं, मतलब मैं काफ़ी अरसे से जा रहा था कि मैं ज़्यादातर डिजिटल कंटेंट की तरफ आऊँ, क्रिएट करूँ और सारी चीज़ें, बट डिस्कवर के साथ रहते हुए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मैंने सोचा कि यार हमें डिजिटल की तरफ ज़्यादा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है, तो इसलिए फिर मैंने कहा यार अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा चैनल पे, हम मज़ेदार कंटेंट बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम शुरू करें, और इंशाल्लाह बहुत सी प्लानिंग्स मेरे पास भी मौजूद हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।